हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेक्शन। आज की क्लास में हमने एमसीक्यू बेस्ड क्लास रखी है, जिसमें हम 10 टू 12 जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो चल रही हो, क्वेश्चन के बाद प्लीज वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर खुद से जरूर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो आज की क्लास में हम 10 टू 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट इजिली, यानी कि जो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स हैं वो इजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव मेटल्स, डल मेटल्स, नोबल मेटल्स या ब्राइट मेटल्स? दे आर नोन एज सी, नोबल मेटल्स, ठीक है। यानी कि नोबल पीपल किसी के साथ पंगा पुंगा नहीं लेते, कहते हैं बड़ा नोबल है भाई, ठीक है। तो यानी कि गोल्ड प्लैटिनम जो है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको नाम दिया गया है नोबल मेटल्स, ठीक है। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो बहुत ईजिली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। इनको बेसिकली पढ़ा था कि इनको केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है। क्यों स्टोर करके रखना पड़ता है? बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा विग्रेसली रिएक्ट करते हैं जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको एक्टिव मेटल्स बोला गया। डल मेटल्स बेसिकली वो मेटल्स होते हैं जिनमें शाइन नहीं होती, लश्चर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन मेटल्स हो गए, सल्फर हो गया, बहुत ही डल मेटल में आता है वो, ठीक है। नोबल मेटल्स पढ़ लिया कि गोल्ड प्लैटिनम जो किसी के साथ इजिली रिएक्ट नहीं करते हैं। ब्राइट मेटल्स बेसिकली एलॉयज के लिए बोला जाता है, ठीक है, जिसमें क्रोमियम की लेयर मेटल्स पे लगा दी जाती है उनको थोड़ा शाइनी बनाने के लिए, ठीक है। तो दोज मेटल्स कम अंडर ब्राइट मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट दी प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड विद नॉन मेटल्स। ये कुछ चार प्रॉपर्टीज गिवन है, तो इसमें से हमने सिलेक्ट करनी है कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फर्स्ट इज लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो तीनों ऊपर प्रॉपर्टीज हैं तीनों ही नॉन मेटल्स के साथ एसोसिएटेड है। सो द आंसर इज इट्स डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जितनी भी ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, किसकी डेंसिटी कम होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो इजिली अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स के अंडर कवर होती है। अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए, हो सकता है यहाँ पे आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता, ठीक है। तो आपको बहुत वाइजली क्वेश्चन के आंसर को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है वो खाना बनाने के बर्तन जो है, यूटेंसिल्स जो है, उनको बनाने के लिए यूज होता है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी और इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके ऑप्शन है कि वन एंड टू, यानी कि दीज टू, गुड थर्मल और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वन एंड थ्री, टू एंड थ्री, वन एंड फोर। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेसिकली बच्चों तरीका ये है कि पहले जो आपको प्रॉपर्टीज लगती हैं कि एल्यूमिनियम की हो सकती है यूटेंसिल्स के लिए, उनको टिक कर लेते हैं। जैसे गुड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल यानी कि हीट, ठीक है। अब कुकिंग के लिए अब हीट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी खाना पकेगा, तो यानी कि ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है, येस, ठीक है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब खाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल कोई यूज तो नहीं है हमारा, ठीक है ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी प्रॉपर्टी को काउंट नहीं करेंगे। डक्टिलिटी क्या था कि उसको मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब यूटेंसिल्स जो होते हैं वो वायर्स की फॉर्म में तो नहीं हो सकते, खाना कैसे पकेगा, ठीक है। तो यानी कि जो एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी है ये भी इसमें यूज नहीं होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एल्यूमिनियम जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, येस, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट कम होता, ठीक है, वो तो थोड़ा सा ही हीट करने पे पिघल जाता, तो उसमें खाना कैसे बनाते,
ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो प्रॉपर्टीज यूज आई है वो आई है 1 और 4, तो हम 1 और 4 का ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज डी। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत इजिली हीट कंडक्ट करवाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए एल्यूमिनियम को यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बच्चों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सब्सटेंसेज ए एंड बी व्हेन ब्रॉट टुगेदर फॉर्म अ सब्सटेंस सी विद एवोल्यूशन ऑफ हीट। द प्रॉपर्टीज ऑफ सी आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज of A and B, the substance C is. Question है कि दो सब्सटांस लिए हैं, एक है A और एक है B. दोनों को मिला के एक C सब्सटांस बनाया है जिसमें से हीट भी जो है वो बाहर निकली है. ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज बोली है कि वो जो C की प्रॉपर्टीज हैं वो A और B से एंटायरली डिफरेंट है, तो C सब्सटांस को क्या कहेंगे? उसे कंपाउंड बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, या नन ऑफ दीज? The answer is, it is a compound. ठीक है, हमने पढ़ा था क्लासेस में कि जब कंपाउंड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनके एलिमेंट्स से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से एंटायरली डिफरेंट होती है. ठीक है, और इसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, एलिमेंट्स तो यही हो गए ए एंड बी, इनको ही मिला के एक नया कंपाउंड बना है. ठीक है, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में बेसिकली जो हीट है वो इवॉल्व नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो हीट है वो इवॉल्व हो रही है, तो यानी कि ये मिक्सचर भी नहीं होगा, एलिमेंट भी नहीं होगा, एंड द आंसर इज इट्स ए कंपाउंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉल्यूशन विद लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स आर कॉल्ड. ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो कम है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंसेंट्रेटेड, डाइल्यूट, सॉल्वेंट्स, और नन ऑफ द अबव? द आंसर इज इट्स बी, डाइल्यूट. ठीक है, कंसेंट्रेटेड का मतलब होगा कि उस जो सॉल्यूशन है उसमें इतना ज्यादा सॉल्वेंट डिसॉल्व किया गया है कि उसमें अगर और सॉल्यूट डाला तो उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कि उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक उसमें डिसॉल्व हो चुका है सॉल्यूट. ठीक है, डाइल्यूट होता है कि उसमें अभी कम सॉल्यूट डिसॉल्व है, अगर उसमें और सॉल्यूट डाले तो वो उसमें डिसॉल्व और इजीली हो जाएगा. ठीक है, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट्स बेसिकली लिक्विड्स आ जाते हैं जिसमें जो सॉल्यूट्स को डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, हमने पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट इज वाटर, दोनों को मिला के जो सॉल्ट वाटर है दैट बिकम्स द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. लिटमस पेपर जो हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स वगैरह को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है, उसके लिए लिटमस पेपर यूज होता है. ठीक है, तो वो लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ए बैक्टीरियम, फंगस, एल्गे, और इट्स लिचिन. और ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों पीसीएस एग्जाम में 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन. ठीक है, The answer is, it's D, lichen. ठीक है, और ये lichen जो है वो इस टाइप के होते हैं. इसको फिर पाउडर फॉर्म में चेंज करके फिर इसको रोल किया जाता है पेपर की फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्यूमिनियम इज यूज इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज. थर्माइट वेल्डिंग बेसिकली वो वेल्डिंग होती है जिसमें कोई मेटल में क्रैक आ जाता है, उस पर एक मोल्टन यानी कि पिघला हुआ मेटल को उससे उन दोनों उस क्रैक को भरने के लिए यूज होता है, या दो मेटल्स अगर टूट जाते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज की जाती है, उसे थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं. तो इसमें एल्यूमिनियम का यूज क्यों होता है? कि वो लाइट मेटल है, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इट इज अ रिएक्टिव मेटल. द आंसर इज इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो फेरस ऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस करता है आयरन की फॉर्म में. ठीक है, और जिससे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट कर सकता है. ठीक है, तो इससे पता चलता है जो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी एंड कंटेन टू एलिमेंट्स गोल्ड एंड पैलेडियम. ठीक है, व्हाइट ज्वेलरी, व्हाइट गोल्ड है, उसमें गोल्ड और पैलेडियम दो टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं. अ ज्वेलर हैज टू डिफरेंट सैंपल्स एंड बोथ आर आइडेंटिकल इन अपेयरेंस एंड हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. उसके पास दो सैंपल हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, और उनके जो कॉम्पोजिशन है यानी कि उनके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम है थ्रू आउट. वट कैन बी सेड अबाउट दी सैम्पल्स, तो उससे हम सैम्पल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि जो सैम्पल्स है वो होमोजीनियस मिक्सचर है और उनको मेटेलिक अलॉयस की फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, कि जो मटेरियल्स हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और उनको हम कॉम्पोनेंट्स के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं. सैम्पल्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन और उनको मेटेलिक सोल्यूशन की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, या किस जो सैम्पल्स है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं. तो इसको क्वेश्चन को आंसर करते हुए सबसे पहले जो की पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेना कि फर्स्ट इज आइडेंटिकल, कि बिल्कुल सेम है और उनका जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तो कॉम्पोजिशन थ्रू आउट होता ही नहीं है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है. ठीक है, तो उससे बी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए. ठीक है, सैम्पल्स है वेरिएबल कॉम्पोजिशन, वेरिएबल का मतलब होता है कि उनके जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ कि इट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कैंसिल हो गया. तो आंसर इज कि उनके अंदर उनका प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर होमोजीनियस मिक्सचर और उनको मेटेलिक अलॉयज की तरह क्लासिफाई किया जा सकता है. ठीक है, होमोजीनियस क्यों हो गया, क्योंकि उनमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट है, और मेटेलिक अलॉयज, अलॉयज इसलिए क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा मेटल्स यूज किए हैं उसको और थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए, उसमें थोड़ा और शाइन देने के लिए. ठीक है, तो इसलिए उसको मेटेलिक अलॉयज में क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लाउड और फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सिस्टम ऑफ, यानी कि जो क्लाउड है और फॉग भी बोल सकते हैं, बादल बोल सकते हैं, वो कोलोइडल सिस्टम किसका है, कि लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में डिस्पर्स हो रहा है, गैस जो है वो गैसेस फॉर्म में डिस्पर्स हो रहा है, सॉलिड गैसेस फॉर्म में डिस्पर्स हो रही है, ये सॉलिड्स लिक्विड में डिस्पर्स हो रहे हैं. ठीक है, अब क्लाउड कैसे बनते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाटर साइकिल. ठीक है, इवेपोरेशन होती है, जो रिवर्स लेक से पानी जो है वो इवेपोरेट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैशेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो लिक्विड है यानी कि वाटर, इट गेट डिस्पर्स इन गैसेज और वाटर वेपर्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल नेचर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी कि ये जो तीन चार स्टेटमेंट्स गिवन है इनमें से हमें बताना है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट को लेके कुछ प्रॉपर्टीज पड़ी थी उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है. बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि बहुत जल्दी होती है एग्जाम में, तो बच्चे हमेशा इनकरेक्ट करेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको या उसको गलत पढ़ लेते हैं. तो इस चीज में बहुत आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है. तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है. ठीक है, तो हम इसमें से चूज कर लेंगे कि कौन कौन से करेक्ट हैं. डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हायर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, यस. डायमंड इज केमिकली अनरिएक्टिव व्हाइल ग्रेफाइट इज माइल्ड रिएक्टिव, ये भी हमने ठीक है पढ़ा था कि डायमंड जो है वो बहुत ही कम रिएक्ट करता है और ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा रिएक्टिव होता है. बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो. डायमंड हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो यानी कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो गलत है. तो आंसर इसका क्या बनेगा हमारा, सी, यानी कि डायमंड जो है दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन पासिंग थ्रू अ कोलोइडल सोल्यूशन द बीम ऑफ लाइट्स गेट डैश, यानी कि कोलोइडल सोल्यूशन जैसे कि मिल्क हो गया, ब्लड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मिल्क और ब्लड एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है. ठीक है, अगर उस पर बीम ऑफ लाइट अगर डाली जाए तो क्या होगा, बीम ऑफ लाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी और ये अब्जॉर्ब हो जाएगी. द आंसर इज बी, सॉरी सी,
स्कैटर्ड, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब हुआ कि वो जो बीम ऑफ लाइट है वो ग्लास पे लग के बाउंस बैक करेगी। रिफ्रैक्ट का मतलब है कि जब जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, कि एयर की डेंसिटी अलग है, मिल्क की या ब्लड की डेंसिटी अलग है। ठीक है, स्कैटर का मतलब है कि वो स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब है कि वो इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट अ गुड सॉल्वेंट, यानी कि वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक अच्छा सॉल्वेंट जो है वो माना जाता है, और वाटर को बेसिकली यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीसीएस 2015 के एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका डिपोलर मूवमेंट ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट उसकी ज़्यादा है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी ज़्यादा है? द आंसर इज इट हैज हाई डेपोले मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो हाइड्रोजन फॉर्म जो है बहुत इजीली फॉर्म कर लेता है, जो भी उसके अंदर और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाले जाते हैं, यानी कि उसके अंदर वो बहुत इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं? डेपोले मूवमेंट। क्लियर? आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। एंड डू शेयर कि आपका कौन सा क्वेश्चन किस पॉइंट पे गलत हुआ है। ठीक है, सो दैट हम आपकी वो जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।